मैं डॉक्टर समीना तालाब चंचलम कॉर्पोरेटर 19-20 साल का बच्चा जो है ना मोहम्मद असलम नामी हमारे सलम चौक का बच्चा था, वो मोटरसाइकिल पे बाइक के जो है ना यहाँ रेलवे ब्रिज के पास आया था। उसके सामने जो बच्चा था गाड़ी चला रहा, वो जो है ना उसका दोस्त था जो गाड़ी चला रहा, और वो जो बच्चे के पास पुलिस वाले सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो ना वो चोरी की गाड़ी थी, बोले डाउट पे वो लोग रोके, रोकते साथ ही ये बच्चा फिर और दूसरे लोग पूरे जमा हो गए, वहाँ कुछ मारे बच्चे को मार लगा, और जो लाठी से मारने की वजह से आँख के ऊपर मार लगा, शायद अभी उस्मानिया को लेके गए, आँख के अंदर लगा, आँख के ऊपर लगा या टाके लगे क्या है वो देखेंगे इंशाल्लाह। हम ये हमारा डिमांड ये है कि जो है ना बच्चे को इस तरीके से आप कैसा मारते, और जो है ना अगर मारे हैं तो जो है ना आप जो ना उसके लिए हमको भरपाई होना, हम जो है MP साहब से भी मदद लेंगे, MLA साहब से भी मदद लेके जो है ना ऐसा कैसा बच्चे को मारे, और क्या बच्चे को खुदा ना खास्ता अगर उसकी आँख अगर डैमेज हो जाती तो परेशानी की बात होती, अगर नहीं दिखता तो खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम होता तो बड़ी मुश्किल की बात हो जाती थी, इसलिए हम बात करें। ये उनकी वालदा है, उनको भी मैं बिठाई, अभी मैं बड़ी परेशान रखो हो, जो भी है हम देखेंगे, MIM पार्टी आपके साथ है, सब हम आपके साथ है, क्योंकि मेरी मारिस वालों का कांस्टेबल का नाम अभी पूछी मैं भूल गई, तो बच्चे का नाम क्या है मैडम? मोहम्मद असलम है बच्चे का नाम। क्या उम्र है? 19-20 साल होगा। गाड़ी स्पीड में नहीं थे, दूसरा बच्चा जो गाड़ी चला रहा था उसके डॉक्यूमेंट नहीं थे, और पुलिस वालों को डाउट आ गया कि चोरी की गाड़ी है बोल के, इसलिए वो लोग रोक के बात करना चाह रहे थे। अब ये कम उम्र बच्चे हैं ना, एकदम जरा कई को रोके गाड़ी बोलने सा, गाड़ी ने रोके या रोक दिया तो पूरे लोग पूरे मिल के पुलिस वालों गैदर कर लिया, पुलिस वाले अपनी जगह गैदर है, दो चार लोग आए, लोग भी अलग हो गए, हो गई तो क्या देखने को मिल रहा है कि पुलिस की तरफ से जो है ज्यादा ही जुल्म हो रहा है, क्योंकि जो है चालान भी किए जा रहे हैं। नहीं, वो तो चालान की बिल्कुल सही बोले आप, काफी जो ना चालाना कर रहे हैं, काफी चालान करके जो ना गाड़ियां भी जो ना डाल दे रहे हैं अंदर, थोड़ा ये है अपनी जगह प्रॉब्लम, बिल्कुल जरूर से आपकी बात कही को बोले चालान भी गरीब लोगों के लिए छोड़ रहे मैडम, कोई बड़े गाड़ियों के लिए नहीं हो रहा, इसके लिए कार को ले लो, उन लोग को नहीं रोक रहे, जैसा की ऑटो है, नॉर्मल बाइक है, या इमरजेंसी में भी अगर कोई निकला तो उसको वेरीफाई नहीं कर रहा, डायरेक्ट रोक के जो है फोटो किसके चालान कर दे रहे, परमिशन है नहीं है दे देख रहे नहीं देख रहे डायरेक्ट चालान आप जो है ना। हाँ, ये सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पूरा सब चीज़ें हो रहे हैं, ये कंट्रोल में करने जा रहे हैं लॉकडाउन, इसमें जो ना ये प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। हम भी जो है अब इनके ऊपर कुछ एक्शन होगा या कांस्टेबल के ऊपर बराबर लेना चाहिए एक्शन, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे को धक्का नहीं लगना, क्या हमारे बच्चे को अगर आंखों खुदा ना खस्ता अगर धक्का लगेगा तो हम जो ना डायरेक्ट MP साहब से बात करेंगे, MLA साहब से बात करके आगे की कार्रवाई हम बोलेंगे, भाई हमारे बच्चे के हक में जो ना जो भी है करो, अगर खुदा ना खस्ता अगर आँख को मार नहीं लगा है, अगर ऊपर के आईब्रो को मार लगा कुछ भी थोड़ी बहुत इंजरी हो तो फिर भी हम काबू बैठ सकते, अगर आँख को लगा तो बच्चे की ना भी चलेगी तो बिना ही तो क्या करेंगे बोलो आप, कौन सी हम ये बोल रहे हैं कि जो ना आप बच्चा आने दो उस्मानिया से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मैं भी यहाँ बैठे हुई हूँ देख रही हूँ क्या करते लोग आगे, उसके बच्चे की रिपोर्ट जो है ना उस्मानिया के देखने के बाद क्या फर्दर कितना मारे कोई डैमेज हो रही क्या खुदा ना खासा देखे उसके हिसाब से हम जो है ना फर्दर कार्य करेंगे। ऑलरेडी ये PSA भी थोड़े शिकायत आ रहे हैं कि ये PSA कांस्टेबल नाहक के बच्चों को रोक ले रहे हैं, गाड़ियाँ पकड़ ले रहे हैं बोल के और वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, फैमिली जा रहे हैं उन लोगों के ऊपर भी वो कर रहे हैं। जी हाँ ये बात तो है, क्योंकि लॉकडाउन शुरू हुए जब से ये चल रहा काफ़ी चल रहा है ये सब चीज़ें, अब अपने को इस ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके जो ना उसके भी बारे में आगे बात करेंगे आप। गलती में रहे तो मार खाने का ऐसे कुछ भी नहीं है साहब, अगर गलती में नहीं होना फिर गलती में अगर रहते तो बराबर मैं मार खाने का ऐसे मैं खुद रेडी होता हूँ, समझे ना, गाड़ी पकड़ लिए थे हमारी बेवजह हो गया, वो तो गाड़ी पकड़ ली भाई की तो आया मैं तो कुछ बात होती लट फेंक के मार दिया उन्होंने। अच्छा मेरे भाई ऊपर लगा अगर आँखी पे पड़ गया तो चार टाके लगे और मारने के बाद बोल रहे मैं ऐसी मारता हूँ बोल के मैं ऐसी मारता हूँ बोल रहे उन्हें बोलने के बाद हम लोग चले आ रहे थे जाने के बाद में भी फिक्के मारे ठीक है चलो हाँ मास्क भी नहीं निकाले बैग भी निकाल लिए और भिजा दिए साहब भाई आज गाड़ी में भिजा दिए ओके अरे अरे भाई यार थोड़ा बात कर रहे हैं सामने को बात कर रहे हैं सामने बात कर रहे हैं साहब बैठे हुए बच्चे को देखो ऐसा मारते हैं आप लोग कंप्लेंट करेंगे ऐसा मारते आपके घर के कोई रहता आप लोग संभालते ना आपके घर के कोई रहता क्या करते आप लोग ये बोलो आपके घर के कोई रहता मारने देते ऐसी ऐसे गाड़ी में भिजा देते हैं आप लोग करो मेरा भैया कंप्लेट करा करो लट से क्यों मार करो
क्या करें।